अलट गैच लेट स्टार्ट आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है माई फेवरेट चैप्टर विच इज़ कॉल्ड वर्क पायर एंड एनर्जी ठीक है सो so, इसको uh, फटाफट पहले थोड़ी कवर करेंगे और उसके बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे नीट में काफ़ी लाइकली है इसका एटलीस्ट एक सवाल कई बार दो भी आया थे और एट द सेम टाइम यही सवाल आपका एन एल एम में यही नहीं नॉट एन एल एम बट रोटेशन में एस एच एम में या फिर आपका इलेक्ट्रोसैटिक में भी uh, काम आता है आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए सो लेट स्टार्ट वर्क पायर एनर्जी तो so, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वर्क तो फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि इन फिजिक्स वी डिफाइन वर्क वेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिसप्लेसेज थ्रू अ सर्टन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो वर्क डन पॉजिटिव होएगा अगर अपोजिट है तो नेगेटिव होएगा वर्कडन हम यहाँ पर ऐसे डिफाइन करते हैं कि एफ डॉट एस करेंगे तो ये आपका वर्क डन की डेफिनेशन होती है कि आपका वर्क डन इज़ एफ डॉट एस आपका एफ जो आपका फोर्स है और एस आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको आप ऐसे भी लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा वे थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ समझने की है वो है कि आपका एफ़ जो है वो अप्लाइड फोर्स है और एस जो है ये आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे लोग इसको इस बात की गलती वो करते हैं और उस वजह से खामिया जा भुगतते हैं जब उनके सवाल सॉल्व नहीं होते क्या से गलत आते हैं एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है आपका एस जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है और इसी वजह से हम ये कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि मान लीजिए एक बंदा यहाँ पे ऐसे चल रहा है ठीक है सो दिस इज हाउ पर्सन इज वॉकिंग तो उस केस पे जो आपका यहाँ पे फोर्स लगा और जो यहाँ पे फोर्स लगा आपका वो आपको इसको चलने में जो हेल्प करेगा दिस हाउ वी वॉक हम ऐसे 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 करके आके आपने सड़क पर जब वो चलते हैं तो फ्लैट सरफेस पे जब हम चल रहे हैं ऐसे तो जो मैं ऐसे ऐसे करके आगे चलाऊं तो हर स्टेप पे फ्रिक्शन फोर्स लगा उस फोर्स ने मुझे आगे मूव किया फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मैं आगे मूव हुआ Now, वो वाला जो पॉइंट पॉइंट है आपका जिस ऑफ एप्लीकेशन डन बाय फ्रिक्शन फोर्स टू जीरो इसको ध्यान रखना वाइल्ड वॉकिंग हम ये नहीं कह रहे कि हर वक्त फ्रिक्शन का जीरो वर्क डन हम कह रहे हैं वाइल्ड वॉकिंग वर्क डन जीरो होगा सिमिलरली अगर ये स्नैरियो कंसिडर करें तो आपके स्टेयर्स uh, हैं उस पर आप ऐसे चढ़ते हैं पहले एक पैर यहाँ रखा फिर यहाँ रखा फिर यहाँ रखा फिर यहाँ रखा, रखा और हर स्टेप पे आपको एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लेके जाता है तो ये जो वर्क डन बाय नॉर्मल होएगा यहाँ पे ये यह फिर जीरो होएगा बिकॉज जिस जगह पे आपका नॉर्मल फोर्स अप्लाई हुआ वो पीछे रह गया तो एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो अगर नहीं हुआ है तो वर्क डन वो फिर जीरो होएगा ठीक है तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना यूनिट अगर हम वर्क की बात करें तो आपका यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगी जूल्स या फिर अग्स हो जाएगी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये होएगा और इसी को अगर हम अर्ग जो है ये आपकी सी यूनिट है कन्वर्जन में इसका देख सकते हैं हम ठीक है आ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्कडन आपका स्केलर क्वांटिटी है इसमें आपको डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ऐड होएगा तो बढ़ेगा वेक्टर्स में होता है दो चीज़ें ऐड हुई बट कम हो गई ठीक है बट यहाँ पर आपकी ऐड होगी तो बढ़ेंगी वर्क डन आपका जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है इसको ध्यान रखना बिकॉज एस जो है आपका इवेंचुअली जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ये फ्रेम डिपेंडेंट है ठीक है तो इसलिए आपका वर्क डन भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा ना मूविंग फॉरवर्ड पॉजिटिव वर्क डन की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि आपका पॉजिटिव वर्क डन है कि जब आपका वर्क पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब है आपका फोर्स या उसका कोई और कंपोनेंट है जो कि आपका फॉरवर्ड मूव वो लेके जा रहा है

एम जी फोर्स जब आप इसको नीचे लेके जा रहे थे उस दौरान नीचे लगा तो उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आप लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू एफ डॉट एच कॉस जीरो हो जाएगा यहाँ पे ठीक है तो थीटा जो है आपका इसको आप कॉस जीरो डिग्री लिखेंगे जीरो डिग्री ठीक है फॉर द सिंपल रीजन एफ और एच की सेम डायरेक्शन है इसी केस में अगर आप वर्क डन बाय जी फोर्स लिखेंगे वो हो जाएगा एफ एच कॉस ऑफ वन एट्टी डिग्री फॉर द सिंपल रीजन एच आपका ऊपर ये हुआ है और नीचे आपका फोर्स लगा है ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों के बीच का आपका एंगल एक सौ अस्सी डिग्री है सो तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी माइनस एफ एच आ जाएगी एफ की वैल्यू यहाँ पे आप एम जी रख देंगे तो इसकी एफ वर्कडन बाई एम जी जो आ गया ये माइनस एम जी एच होएगा और ये वाला वर्क वर्कडन आपका प्लस एम जी एच होएगा तो एक ही स्नहरी है उसमें हमने दोनों पार्ट समझ लिए कि फोर्स अगर आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है <coughs> तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होएगा अपोजिट लग रहा है तो वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा ना नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जीरो वर्क डन की तो जीरो वर्क डन हम कहते हैं आपका जो क्राइटेरिया uh, था कि आपका वर्क uh, डन को आपने लिखा विल बी इक्वल टू एफ एस थीटा ना पहला केस हो गया पहला केस होगा जिसमें एफ जीरो दूसरा केस जिसमें एस जीरो तीसरा केस जिसमें थीटा uh, आपका जीरो उन तीनों केसेज में वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा तो केस वन है जब हम कहते हैं फोर्स आपका ज़ीरो है यानी कि मान लीजिए आप स्पेस में घूम रहे हैं जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ फिर भी वर्क डन आपका जीरो कहलाएगा फॉर द सिंपल रीज़न कि वहाँ पे फोर्स ही अप्लाई नहीं हुआ है तो उस केस में आइसोलेटेड बॉडी इन फ्री स्पेस है उसका वर्क डन आप जीरो लिखेंगे नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि जब आपका एस जीरो है। एस जीरो होने का मतलब ये कि दीवार है दीवार को धक्का लगाए जा रहे हैं बहुत जोर से और वो सारी कहानी कर रहे हैं बड़ा सा पत्थर है उसे धक्का लगा रहे हैं हिलाई नहीं इफ दैट इज़ द केस वर्क डन आपका जीरो होएगा फॉर द सिंपल रीजन आपका एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑफ पॉइंट एप्लीकेशन नहीं हुआ है इसी का दूसरा एग्जाम्पल डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय नॉर्मल अभी हमने देखा थर्ड कहानी है जब आपका कॉस थीटा जीरो यानी कि थीटा आपका 90 डिग्री हो या कि यानी कि एफ और एस के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल हो इफ दैट इज द केस तो वर्क डन आपका जीरो होएगा फॉर एग्जाम्पल ये हम बचपन से पढ़ते आए कि कुली ने सामान उठा रखा है और वो लेके जा रहा है तो उस केस में कुली का वर्क डन जीरो नहीं है कुली का वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या फिर बाय फ्रिक्शन सॉरी अगेंस्ट ग्रेविटी या बाय ग्रेविटी जीरो है ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखना आ, ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा दूसरा एग्जाम्पल हो गया एनी सर्कुलर मोशन हर सर्कुलर मोशन की अगर बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल का वर्कडन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका वर्कडन जीरो होएगा फॉर द सिंपल रीजन के जब आप सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहे हैं तो उस केस में आपका जो इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई हुआ इस वजह से आपका वर्कडन यहाँ पे जीरो होएगा ठीक है आई होप ये चीज आपको क्लियर है कुछ वर्कडन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं सबसे पहली चीज तो ये वर्कडन इज डिफाइंड फॉर अ इंटरवल ठीक है तो यहाँ पे आपका इंटरवल uh, या डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है इसमें इज नथिंग कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वर्क आपने कोई काम किया है नीचे से ऊपर सामान लेके आए हैं मोटर लगाई उसने एक घंटे में पानी भरा या फिर छह घंटे में पानी भरा वर्कडन दोनों का सेम होएगा ठीक है इस तरह के सवाल नीट पे पहले पूछे हुए हैं कि अगर आपका एक वो बंदा है जो तीस मिनट में काम कर रहा है दूसरा वही काम आपका सामान उठा के ले जा रहा है वो आपका सिक्सटी मिनट में काम कर रहा है वर्क डन का रेशो क्या होगा वर्क डन का रेशो वन इज़ टू वन फॉर द सिंपल रीज़न कि वो टाइम के इंडिपेंडेंट है नेक्स्ट यहाँ पे बात वर्क डन आपका टाइम के इंडिपेंडेंट हो गया वर्क डन आपका फ्रेम पे डिपेंडेंट है और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन बा फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन तो अगर आप यहाँ से जल्दी जल्दी लेके जाएं धीरे धीरे लेके जाएं एक्सेलेटेड मोशन हो डी एक्सलेटेड मोशन हो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मोशन हो वर्क डन हर केस में सेम रहेगा आपका एफ सेम है एस सेम है वर्क डन सेम आएगा ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना आ, एक और जो इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि वाइल्ड कैलकुलेटिंग द वर्क डन अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं उस केस में जानने की ज़रूरत है कि किस फोर्स ने वर्क किया है जैसे फॉर एक्जाम्पल हाँ ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि आपका एम मास का बॉडी है उसको यहाँ पे आप एफ फोर्स लेके जा रहे हैं उस केस में नीचे आपका एम अप्लाई हुआ है और ऊपर आपका नॉर्मल अप्लाई हुआ ना इस केस में अगर यहाँ से यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है इस बॉडी का तो यहाँ पर वर्कडन फोर्स का आएगा नॉर्मल और एम ने कोई काम नहीं किया इस केस में फॉर द सिंपल रीज़न के दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वो है आपका वो नाइन्टी का एंगल रखता है तो इफ़ दैट इज़ द केस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पता करना कि एक्चुअली जो आपकी लंबी चौड़ी टीम थी एम जी नॉर्मल फोर्स की तीन फोर्स अप्लाई हो रहे थे एक्चुअल काम किसने किया है ये तो आई मीन लग रहे हैं मना है, नहीं कर रहे बट काम नहीं किया इन दोनों ने ठीक है सो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि कौन काम कर रहा है अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी डब्ल्यू उसका इंटीग्रेशन शाम का साइन लगा के विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस और यहाँ पे अगर आपका f जो है वो x, y, z तीनों में वेरी कर रहा है तो आप इसको लिखेंगे एफ एक्स एक्स का कंपोनेंट फोर्स का मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स और लिमिट आपकी एक्स वन से एक्स टू हो जाएगी सिमिलरली y का कंपोनेंट फोर्स का और डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे एफ डी वाई को y1 से y2 पे सिमिलरली z डायरेक्शन में हम ये करेंगे तो ये आपको इंटीग्रेट करके वर्क डन आ जाएगा नाउ right? इसके बाद बात करते हैं बेटा एनर्जी की एनर्जी है आ, एनर्जी हम ये ऐसे डिफाइन करते हैं कि एनर्जी इज प्रॉमिस ऑफ डूइंग वर्क इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी इसके अंदर कानी एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इतनी पोजेस करता है कि वो इतना काम कर सकता है अभी कर रहा है नहीं कर रहा है दैट नॉट द पॉइंट बट इतनी एनर्जी उसके अंदर है और यह आपकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको यह आपकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जाम्पल आप नीचे से एक ब्लॉक लिया उस ब्लॉक को उठा के ऐसे वर्क डन करके ऊपर लेके गए और आपने इसको छत पे रख दिया अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसको आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी एच ये एनर्जी अगर आपको वर्क में कन्वर्ट करनी है तो हल्का सा धक्का दें नीचे आएगा यही वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होएगी यहाँ पे बाल्टी रख दें बाल्टी में जब गिरेगा तो इसकी जो एनर्जी आएगी यहाँ पे उसको आप एम एस डेल्टा डी से इक्वेट करके टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं वगैरह वगैरह ठीक है या फिर कोई गाड़ी रख दें उसको आप डेंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह वो सारी कहानी है तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी या कानीटिंग एनर्जी जो है ये दिस इज प्रॉमिस ऑफ डूइंग वर्क राइट यूनिट्स आपकी होंगी बहुत सारी यूनिट होती हैं इसकी यूनिट होगी आपकी जूल आपकी अर्ग सी में एस में जूल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलोवाट किलोवाटार या फिर कैलोरी डायमेंशन इसके एनर्जी और हीट आपके एनर्जी के हीट के और वर्कडन के सेम डायमेंशन होंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इसको ध्यान रखना सवालों में बहुत काम आता है इनका अगर हम कन्वर्जन देखेंगे तो कन्वर्जन होएगा एक जूल को जब आप कन्वर्ट करेंगे अर्ग्स में सी में तो टेन टू द पावर सेवन आता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन जूल होएगा दो आई थिंक अट्ठारह या उन्नीस में सिर्फ ये सवाल पूछ लिया था आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार नंबर नीट में सिर्फ इस बात के थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के कितने बराबर होता है ठीक है सो दैट सेट तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान रखना थोड़ी है सब कवर कर रहे हैं पर ये ध्यान रखना चार नंबर कौन सी चीज़ देखी जाएगी वी नेवर नो किलोवाट आर की जब बात करते हैं तो किलोवाट वॉट आर हो जाता है आपका थ्री पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटू पॉट सिक्स जूल ये डेटा आपको ध्यान रखना है कन्वर्ट करना ऑफकोर्स मुश्किल काम नहीं है बट याद रह जाए तो स्पीड बढ़ जाती है एक कैलोरी है वो फोर पॉइंट वन एट जूल के बराबर होती है इसकी चर्चा हीट में करेंगे हम ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अब इसके बाद एनर्जी जो है उसको ब्रेक करते हैं हमारे यहाँ पे एनर्जी जो है सिर्फ दो तरह की एनर्जी है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं वो उसी पे हम काम करेंगे पूरे इलेवेंथ ट्वेल्थ में केमिकल एनर्जी और बाकी सारी जो एनर्जी होती है सोलर एनर्जी उस सब पे बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम सिर्फ कानीटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे बात करते हैं कनेटिक एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं इट इज़ कनेटिक एनर्जी अगर एक बॉडी की बात करें सो इट इज़ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन तो अगर मोशन हो रहा है तो उस पार्टिकल की उस बॉडी की उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी उसके मोशन की वजह से आएगी इसको हम कैलकुलेट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर वैक्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं एम वी डॉट वी ठीक है हाफ एम वी डॉट वी आपकी कनेटिक एनर्जी होगी इसका एक डेरीवेशन है कैसे आया क्यों आया बट अभी मैं और डेरीवेशन स्किप कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कान्टिंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो बट का इज नेवर नेगेटिव एक नीट का बहुत अच्छा सवाल था जो सिर्फ इसी बात पे सॉल्व हो रहा था कि कानटिंग एनर्जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है ठीक है आपकी वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती या तो जीरो या फिर पॉजिटिव होगी स्केलर क्वांटिटी एड हुआ तो एक्चुअली इंक्रीज होएगा कान्टिंग एनर्जी अगेन ध्यान रखना इट्स अ रिलेटिव क्वांटिटी ये आपकी डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए Uh, मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हुआ एक बस में ठीक है और आप मेरे पीछे बैठे हैं ठीक है और बस ऐसे रुकी हुई है या चल रही है अभी बात करते हैं इस पर और आपके पास एक फ्रेंड का आपके फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया ठीक है फ़ोन किया और उन्होंने कहा अरे मैंने अभी भी रितेश सर को देखा है मैंने उनको देखा है वो इतनी कनेक्टिव एनर्जी से जा रहे हैं मान लीजिए बस मूव कर रही है वी वेल से वो इतनी कनेक्टिव एनर्जी से जा रहे हैं आपको उसने फ़ोन किया आपने कहा भाई ऐसा नहीं है कहता नहीं 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 मैंने अपनी आंखों से देखा वो इतनी कनेक्टिव एनर्जी से जा रहे हैं आपने कहा रहे, नहीं है ऐसा वो मेरे सामने बैठे हैं उनकी कानीटिक एनर्जी जीरो है तो मेरी ही कानीटिक एनर्जी जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इस बात पर डिपेंड कर गई कि आप यहाँ से देख रहे हैं या यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से जब आपने देखा तो मेरी वेलोसिटी जीरो है क्यों आप ही के फ्रेम में आप भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जिस वेलोसिटी से मैं मूव कर रहा हूं तो आपके फ्रेम में, में मेरी वेलोसिटी जीरो हो गई इफ दैट इज़ द केस तो कानीटिक एनर्जी मेरी जीरो हो जाएगी इस वाले बंदे के फ्रेम में यहां पे हाफ एम बी स्क्वायर करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं कानीटिक एनर्जी बता सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो हो गया पॉइंट ये है कि आपका फ्रेम पे डिपेंड करता है ध्यान रखना अच्छे थ्योरेटिकल सवाल में हेल्प मिलती है इससे काइनेटिक एनर्जी जो है लास्ट पॉइंट इसका वो ये है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन पे मूव वेरी डिपेंड नहीं करती तो अगर दस मीटर पर सेकंड से इधर जाओ या दस मीटर पर सेकेंड से इधर जाओ आपकी वेलोसिटी दस दस इधर प्लस माइनस टेन आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन जब आप उसको हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू आपकी सेम आएगी करंट एनर्जी की वैल्यू डायरेक्शन पे नहीं बदलेगी एज लॉन्ग एज मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन मैटर मैगनीटूडर चलो आगे बात करते बेटा अपनी पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी हम ये कहते हैं बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन और अगर सिस्टम की बात करें डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्फिग्रेशन ठीक है सो वेरियस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है अपने सिलेबस में मैं सारी कवर कर रहा हूँ सिंपल रीजन ये आपका क्रैश कोर्स है और यहाँ कि आप सिलेबस पहले पढ़ चुके हैं फटाफट फटावट रिवाइज कर रहे हैं तो इफ़ दैट इज द केस तो हम ये कहते हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी के जितने फॉर्म है वो सारे हमारे लिख दिए तो सबसे पहली बात करते हैं हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की अगर डी सरफेस ऑफ अर्थ है तो उसको हम एम लिखते हैं ठीक है सरफेस ऑफ दो आप इसको ऐसे लिखते हैं 400 किलोमीटर तक है तो जी की वैल्यू हम सेम मानते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी एम हो जाएगी हेवनली बॉडीज की बात करें अर्थ मून और प्लैनेट्स उसकी बात करें तो सेम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम जीएमएम बाई हार लिखते हैं ठीक है इसको ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव की बात बाद में करेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में बट इसको पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीएमएम बाई हार लिखते हैं आप ठीक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है आप दो तरह से आप डिफाइन करते हैं एक स्प्रिंग के लिए और एक आपकी वायर है जिसको स्ट्रेच कर दिया है ये वायर की स्ट्रेचिंग वाली बात हम इलास्टिसिटी के चैप्टर में करेंगे स्प्रिंग के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्र तो एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके नेचुरल लेंथ है तो नेचुरल लेंथ से आपने पाँच सेंटीमीटर खींचा दस खींचा दो खींचा उससे आपका हाफ के एक्स स्क्वायर करके पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी स्प्रिंग के एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको आप लिखते हैं के क्यू वन क्यू टू बाई आर तो क्यू वन क्यू टू आपके चार हैं आर आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है के आपका कॉन्स्टेंट है तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी आई होप ये तो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक और आपकी इलास्टिक और ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज की तो प्रॉपर्टीज की बात करें पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड होती है आपके कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए तो कंजर्वेटिव फोर्स हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी उनके लिए डिफाइन होगी नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें तो स्केलर क्वांटिटी और इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तो कानीटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपके नेगेटिव हो सकती है ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसको ध्यान रखना वी ऑलवेज डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हम कोई इनिशियल पोजिशन को एक पोटेंशियल एनर्जी असाइन करते हैं उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है उसकी एनर्जी बढ़ी या कम हुई वो रेफरेंस यूजुअली अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें नियर सरफेस ऑफ अर्थ मैकेनिक्स के सवाल तो जहां पे आप जीरो मान रहे हैं उसको आप यूजुअली ओरिजिन मान लेते हैं जबरदस्ती नहीं है बट मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस इन्फानाइट पर जीरो मानते हैं सिमिलरली जब डाईपोल की बात करेंगे तो डाईपोल में कोई एक वो आएगा 90 का एंगल उस वाले पे आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे उसके अलावा उसको आप ऐसे ऐसे कहीं रोटेट करेंगे उससे पोटेंशियल एनर्जी का आप डिफरेंस देखते हैं ठीक है पोटेंशियल एनर्जी आपका जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ पोजिशन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, है तो ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करेगा रिलेटिव क्वांटिटी है डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा मैं एग्जांपल देता हूं जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बिल्डिंग है आपने इस लेवल को ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल मान लिया अब यहाँ से मान लीजिए आप एच हाइट पर ऊपर गए तो यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम अगर यहाँ से आप नीचे हाइट पर गए मान लीजिए माइनस पे तो यहाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम ठीक है ये कुछ भी हो सकते हैं ना में अगर आपने रेफरेंस यहां ना लेके इन दोनों का अगर देखोगे इन दोनों का डिफरेंस तो इन दोनों का रेफरेंस डिफरेंस जो इस पॉइंट के उसमें है और है, दोनों के बीच का डिफरेंस टू एमजीएच आ गया मान लो अगर आपने रेफरेंस यहां ना लेके मान लो यहां लिया होता तो ये आपका डिफरेंस आता एक्स और उसके बाद एमजीएच उससे माइनस होता ये आता इन दोनों का डिफरेंस जो है वो फिर भी वही रहता जो आपका पहले है तो इसको अपना रेफरेंस लेवल कहीं भी बनाते रहो लेकिन जो दो चीजों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम ही रहेगा दिस वॉट इट मीन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और सवाल सॉल्व करने में काम आती है ये इसके बाद हम अपने सवाल सॉल्व करने शुरू करते हैं ठीक है सो so, अपना पहला सवाल है अ बॉडी ऑफ मास एम इज लिफ्टेड बाई अ मैन टू अ हाइट ऑफ थर्टी वन मीटर इन थर्टी सेकेंड अनदर मैन लिफ्ट द सेम मास टू द सेम हाइट In 60 seconds, आपको है, work done ना उन दोनों का एक बंद में दूसरे ने उठाया इसको सिक्सटी सेकेंड में दोनों का ही वर्कडन सेम होगा टाइम पे वर्कडन डिपेंड नहीं करता है इस प्रॉपर्टी पे आपसे प्रीवियस प्रॉपर्टी पे सवाल पूछा गया है वन इज टू वन वुड बी द राइट आंसर ठीक है सो ये आपका सिंपल सी प्रॉपर्टीज पे आपका सवाल है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थर्टी ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री टी माइनस फोर टी स्क् प्लस ट्री टी क्यूब एक्स uh, आपने को कहा है कि मीटर में है और टी आपका सेकेंड्स में है हमें बताना है वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट फोर सेकेंड्स आपको बताना है चार सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ है ना इस केस में आपका क्योंकि ये एस एक्स uh, दिया हुआ है आपको यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन आपकी कानीटिक एनर्जी सो वर्क डन जो है वो आपका क्योंकि सिंगल डायमेंशन में मोशन हो रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होएगी तो उस केस में आपका वर्क डन जो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन कानीटिक एनर्जी तो इस केस में हम यहाँ लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम मल्टीप्लाइड बाई वी फाइनल का स्क्वायर माइनस बी इनिशियल का स्क्वायर राइट हाँ हमारा काम ये है कि v फाइनल इनिशियल हमें निकालनी पड़ेगी सो so, v फाइनल की वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ v को हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू आपका dx एक्स डिवाइडेड बाय डी तो इसको आप डिफरेंशियट करेंगे तो ये आएगा थ्री माइनस फोर टी उसका डिफरेंशियल होएगा आपका एट प्लस ये आएगा थ्री टी स्क्वायर इसमें अगर v फाइनल रखेंगे तो चार सेकंड में इसकी t की वैल्यू चार रख देंगे आप तो ये आ जाएगा आपका थ्री माइनस एट फोर एट मल्टीप्लाइड बाय फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय फोर का स्क्वायर uh, ना इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा फास्ट ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से और इसमें से आप फोर का स्क्वायर कॉमन ले लें इफ़ दैट इज द केस नहीं तो इसको आप एट इंटू फोर करें और ये सिक्सटीन थ्री जा करें उससे भी आ जाएगा ऑफकोर्स तो फोर का स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका थ्री मल्टीप्लाइड बाय फोर का स्क्वायर ये बनेगा आपका टू ये बनेगा आपका सॉरी uh, ये माइनस टू ये प्लस थ्री तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी तीन तो ये बचा तीन uh, और ये वैल्यू आ जाएगी इसकी एक मिनट आप फोर का स्क्वायर प्लस था तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी फोर uh, का स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन प्लस थ्री यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी नाइनटीन और वी इनिशियल देखेंगे आपके जीरो पे टाइम uh, जीरो रख देंगे तो ये जीरो ये जीरो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू थ्री ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो वर्क डन आ जाएगा आपका हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास थ्री इंटू टेन टू द माइनस थ्री बिकॉज ये ग्राम में दिया हुआ है ये देखना कई बार लोग ये गलती कर जाते हैं ये ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे माइनस नाइनटीन का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन है ना ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अब तो नाइनटीन का स्क्वायर आपका होता है थ्री सिक्स वन नाइन माइनस करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे टू से डिवाइड करेंगे तो आपका जो वर्क डन है फाइनल वो आ जाएगा फाइव पॉइंट टू एट झूल आपकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आए थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पे आपको करनी पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पार्टिकल कॉज इज अ डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस फोर आई कैप प्लस टू जे कैप इन इट्स ओन डायरेक्शन ठीक है तो आपको ये सेम डायरेक्शन दिया हुआ है इफ द वर्क डन इज सिक्स जे अगर आपका टोटल वर्क डन छः जूल है तो सवाल ये सी की वैल्यू बताओ ये आपका सी एक वेरिएबल यहाँ बीच में डाल के दिया हुआ है अपने को ऑप्शन से जीरो वन सिक्स या ट्वेल्व सिंपल सवाल है ये बात अपने को पता है वर्क डन जो है उसको आप लिखते हैं एफ डॉट एस एफ की वैल्यू हो गई आपकी थ्री आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस टू के कैप उसको जो आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आ, इसके साथ तो ये आएगा आपका माइनस फोर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप और ये वर्क डन जो है इसकी वैल्यू हमें सिक्स दे रखी है तो आपकी क्वेश्चन बन जाएगी सिक्स अच्छा डॉट प्रोडक्ट का हमें पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई आई जे जे के के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा माइनस बारह प्लस ये आएगा सी इंटू टू यानी कि टू सी प्लस ये आएगा टू इंटू थ्री सिक्स ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो 16 to 6 कैंसिल हो जाएगा 12 इधर लेके आते हैं यानी कि 2c इक्वल टू 12 विच इंप्लाइज फाइनल आंसर c इक्वल टू 6 ये आपकी वैल्यू हो गई हैंस ऑप्शन सी 6 वुड बी द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल देखते हैं चलो अगला सवाल कहता है या फोर्स जो अपने को दिया हुआ है 5i एक्स ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इतना कैप 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 मीटर हमें बताना वर्कडन क्या होगा अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वर्कडन जो है उसको आप लिख सकते हैं एफ डॉट एस ये आ गया आपका फाइव आई कैप प्लस फोर जे कैप इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप सिक्स आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस थ्री के कैप से फिर हम आई आई जे जे के के मल्टीप्लाई करेंगे सो आई आई जे जे करेंगे तो फाइव इंटू सिक्स ही हो गया आपका थर्टी फोर इंटू फाइव हो गया माइनस ट्वेंटी माइनस साइन था यहाँ पे प्लस के के में जीरो हो जाएगा बिकॉज के वाला जीरो आ रहा है तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी टेनजूल दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए ट जूल दिस विल बी द राइट आंसर ठीक है तो so, कई बार सवाल इसके बहुत आसान आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पर आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कैलकुलेट करना भी आना चाहिए चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से अगेन फिर नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्वेश्चन से इज इट इज ईजियर टू ड्रॉप ऑफ अ वुडन ब्लॉक ड्रॉ अप अ वुडन ब्लॉक अलॉन्ग द इनक्लाइन प्लेन देन टू हॉल इट वर्टिकली प्रिंसिपली बिकॉज तो स्नैरियो ये है कि आप एक ब्लॉक है उसको लेट से इस हाइट तक खींच के लेके जा रहे हैं ऐसे ऊपर उठा के ऐसे ऐसे करके दूसरा स्नैरियो है कि उसी हाइट पे आपने इस बार इंक्लाइन प्लेन बनाया थीटा एंगल दिया

यहाँ पे ओनली अ पार्ट ऑफ वेट हैज़ टू बी ओवरकम तो जब आप ऊपर इसको उठा के ले जा रहे हैं तो जो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा वो एम होएगा इस केस में जो आप खींच रहे हैं तो आपका एम जी थीटा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा सो इफ़ दैट इज द केस तो आपका फोर्स जो है वो साइन थीटा के फैक्टर से कम हो गया साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है जो इस केस में है और उसके अलावा साइन थीटा की वैल्यू जीरो सो वन से कम ही होएगी जीरो और वन के बीच में एग्जिस्ट करती है तो आपको पूरा एम नहीं लगाना पड़ेगा थोड़ा सा उससे कम साइन थीटा लगाना पड़ेगा फॉर uh, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका थीटा थर्टी डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो एम जी का ही एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा इस वजह से इट्स ईजियर टू ड्रॉअ अप सो ऑप्शन सी

हो क्या रहा है यहाँ पे तो ये सिनेरियो ये है कि आप यहाँ से ऐसे खड़े हुए और आप नीचे एक ब्लॉक को ऐसे लेके आ रहे हैं नीचे उसका जी बाय फोर का एक्सेलेशन है ये आपका एम uh, मास का ब्लॉक है देखो अगर तो छोड़ दिया इसको रस्सी छोड़ दी तो नीचे आएगा आपका नीचे जब आएगा तो एक्सलेशन आपका जी होएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया माइनस एम जी सॉरी इस केस में प्लस एम जी हो जाएगा वर्क डन बाय टेंशन वो आपका ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज है ही नहीं ठीक है इस केस में आप टेंशन ऊपर लगाएंगे नीचे आपका एम जी फोर्स लगेगा और एक्सलेशन आपका जी बाय फोर है ना इसकी इक्वेशन अगर लिखेंगे इस एफ बी डी बना लिया हमने उसकी इक्वेशन लिखेंगे एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम जी बाय फोर विच एम्प्लाइज टेंशन जो है वो आपकी फोर्स आ गई टेंशन को दलाएं इसको दलाएं तो दिस विल बी इक्वल टू थ्री बाय फोर एम जी यह आपकी टेंशन इतनी होएगी ना डिस्प्लेसमेंट आपका जो हुआ है वो डी हुआ है तो उस केस में आ, आप यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन जो आएगा Uh, that will be equal to आपका टेंशन डॉट एच सो टेंशन आपकी हो गई थ्री टेंशन ऊपर है आपकी एच नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों के बीच में वन एट्टी डिग्री का एंगल है तो इसलिए थीटा वन एट्टी डिग्री हो जाएगा और cos थीटा आपका माइनस वन आएगा तो इसलिए जो आपका वर्क डन होएगा माइनस थ्री बाय फोर एम जी एच की वैल्यू अपने को यहां डी दे रखी है ये आएगा तो दिस विल बी ऑप्शन सी माइनस थ्री बाय फोर एम जी डी दिस विल बी द राइट आंसर कई बार लोग इसको ये वाला आंसर मार्क करके आगे बढ़े आते हैं जो कि गलत हो जाएगा बिकॉज टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वरिटी का एंगल है तो एं नेगेटिव वर्क डन आएगा आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इट्स only kinetic energy increases only potential increases both kinetic and potential energy may increase ya fir sum of kinetic and potential energy remains constant now is case mein scenario ye hai ki aapka agar work done ho raha hai to aapki koi body hai uske upar aap external work done kar rahe hain to us case mein kinetic energy can increase potential energy can increase again scenario pe depend karega अगर block को आप उप, सिर्फ ऊपर लेके जा रहे हैं तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी ब्लॉक को अगर आप वर्क डन करके इधर लेके जा रहे हैं तो उसकी कॉनेटिक एनर्जी सिर्फ कॉनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी बट अगर आपका कोई और डायरेक्शन है तो उसके इसमें कानेटिक भी इंक्रीज हो सकती है पोटेंशियल भी इंक्रीज हो सकती है सो so, यहाँ पे बोथ पोटेंशियल एंड कॉनेटिक मे इंक्रीज अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ठीक है सम ऑफ कॉनेटिक पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट कई बार स्टूडेंट इस ऑप्शन पे क्लास में वो दंगे करते हैं या वो कहते हैं कि सर तो ये क्यों सही नहीं है पोटेंशियल uh, एनर्जी और कॉनेटिक एनर्जी एक दूसरे में हो सकता है कन्वर्ट हो जाए कंजर्वेशन uh, की बात नहीं कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो कन का इस केस में हो सकता है आप पोटेंशियल एनर्जी को कानिटी और कानिटी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन उनका सम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा ये आपका ऑप्शन सही नहीं है बिकॉज यहाँ पे दोनों में से एटलीस्ट उनका जो सम है उसकी वैल्यू बढ़ेगी दोनों में से कोई एक कम हो कोई ज़्यादा हो डजेंट मैटर वो सब उनका इंक्रीज हो गया कितना जितना आपका वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स का ठीक है हॉलेट आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से अ बॉम्ब ऑफ ट्वेल्व के जी एक्सप्लोर्स इन टू टू पीसेज ऑफ मासज आपके एट के जी एंड फोर के जी तो आपका एक बॉम्ब है रखा हुआ था वो फट गया ठीक है कैसे चा बारह किलो का था चार किलो और आठ किलो में फट गया वेलोसिटी ऑफ एट किलो जो है उसको आपने उससे हमें दिया हुआ है वो छः मीटर पर सेकेंड है हमें बताना है कॉनेटिक एनर्जी और दूसरे मास उसकी वेलोसिटी नहीं बतानी उसकी कानीटिक एनर्जी बतानी है तो दो स्टेप हो गए यहाँ पर ऑप्शन है ट्वेंटी फोर फोर्टी एट थर्टी टू या फिर टू एटी एट जूल सिनेरियो ये है कि आपका पहले ब्लॉक रखा हुआ था ये आपका दो पार्ट में फट गया एक चार किलो का एक आठ किलो का सो ये आठ किलो वाला जो है और ये चार किलो वाला जो है आठ किलो वाला सिक्स मीटर पर सेकेंड से गया इसकी वेलोसिटी हमें वी निकालनी पड़ेगी ना इस केस में मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज आपका फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम जीरो है फाइनल मोमेंटम आ जाएगा फोर मल्टीप्लाइड बाई वी प्लस एट By करेंगे, तो वी की जो वैल्यू आएगी जानबूझ के फोर को इधर किया है सो दैट वी की वैल्यू नेगेटिव आए और हमेंटिक एनर्जी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती है ठीक है सो वी की जो वैल्यू आएगी इसको लिखें एट इंटू फोर डिवाइड बाय तो आ जाएगी आपकी बारह नेगेटिव साइन के साथ मीटर पर सेकेंड तो ये वाला आपका छह से जा रहा है ये वाला आपका बारह से इस डायरेक्शन में जाएगा अब हमें इसकी कानीटिक एनर्जी बतानी है तो सिंपल काम हो गया इसकी कानेटिक एनर्जी जो है छोटे वाले ब्लॉक की आ जाएगी Square, उसकी वैल्यू हो जाएगी डेटा रख लो सो so, आएगी कितना दिया आपने को कैंसिल uh, तो जो वैल्यू आ जाएगी ये टू एटी एट जूल आ जाएगी सो दैट मीन ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस हालाइट चलो आगे बढ़ते बेटा अगला सवाल अगला सवाल कहता है बॉडी ऑफ मास टू के जीज थ्रोन ऑफ वर्टिकली विद कनेटिक एनर्जी ऑफ फोर्टी फोर नाइन्टी जूल तो आपने एक दो किलोग्राम के ब्लॉक को ऊपर फेंका है जो और उसको इनिशियल कानीटिक एनर्जी दे दिया आपने चार सौ नब्बे जूल इफ एक्सलेशन टू टू ग्रेविटी इज नाइन पॉइंट एट हमें कहा है कि जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट यूज करो देन द हाइट एट विच कनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हमें वो हाइट बतानी है जहाँ पे आपकी कनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ हो जाए ठीक है और ऑप्शन दे रखे हैं 50, 25, 12.5 या फिर 10. तो स्नेरियो ये है कि आपने एक ब्लॉक को यहाँ से नीचे से ऊपर फेंका है और इसका ब्लॉक का मास अपने को 2 किलोग्राम दिया हुआ है और इसको आपने इनिशियल कानीटिक एनर्जी जो दी है वेलोसिटी दी है कान्टटिक एनर्जी दी है वो चार और यहाँ पे एच हाइट पर जाके उसकी कान्टिक एनर्जी डैश जो है वो हो गई इनिशियल कान्टिक एनर्जी का हाफ ठीक है हमें बताना है होगी. Now, इस केस में हम ये हाइट कितनी होएगी ना इसके इसमें हम डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन एनर्जी बिकॉज यहां वर्क डन बाय आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा वही आपका लॉस इन कनेक्टिंग एनर्जी होगा वो इसके बराबर होगा सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका एम जी एच और लॉस इन कनेक्टिंग एनर्जी बिकॉज यहां पर आपकी फोर थी यहां पर फोर नाइनटी बाय टू हो गई तो आपका वही नुकसान हुआ सो so, दैट

12.5, right आई। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल है बॉडी ऑफ टू मीटर पर सेकेंड इसको आपने टू किलोग्राम ब्लॉक को ऊपर फेंका है दो मीटर पर सेकेंड से एनर्जी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड पे जस्ट हिट करने से पहले तो अपना स्नैरियो ये है कि बॉडी को आपने ऐसे फेंका ऊपर गई और वापस नीचे ऐसे आई यहाँ पे आपने यू वेलोसिटी दी है यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड आपका वी वेलोसिटी है ना इस केस में अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं तो ये बात अपने को पता है कि यू की वैल्यू वी के मैग्नीट्यूड इन दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू बराबर होएगी वी की वैल्यू एक्चुअली माइनस यू होएगी तो आपको बताना है कारेंटिंग एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो सेम कारेंटिंग एनर्जी होगी जिससे आपने ऊपर फेंका था सो दैट मींस आपकी जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m u स्क्वायर uh, मुश्किल सवाल नहीं है सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है सवाल तो so, 1/2 m u स्क्वायर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डेटा रख दो सो so, आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाईड बाय m m अपने को 2 दिया हुआ है मल्टीप्लाईड बाय 2 का स्क्वायर तो इसकी वैल्यू आ गई 4 4 जूल सो दैट मींस ऑप्शन सी आपका राइट right आंसर हो गया ठीक है चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और थ्योरी में कुछ पोर्शन कवर करते हैं आ, यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा फोर्सेस को डिवाइड करते हैं देखो जब हमने एल एन एम पढ़ा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फोर्स को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं आ, चार उनके बेस्ड ऑन देयर नेचर तो हमने कहा था ग्रेविटेशन आपका फोर्स अलग है इलेक्ट्रो अलग है स्ट्रॉग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज अलग हैं उसके बाद हमने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक को अलग अलग पार्ट में किया था आपके चार तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज थे फिर इलेक्ट्रोस्टेटिक मैग्नेटिक फोर्स बायसि विस्कस वगैरह वगैरह उनको हमने अलग अलग डिवाइड किया था यहां फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे उनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस वो है जिनका वर्कडन हम ये कहते हैं कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो आपका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होंगे जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए हैं कौन सा रास्ता इख्तियार किया है कौन सा रास्ता लिया है उस बात पर आपका वर्क डन डिपेंड कर जाएगा क्लोज uh, पाथ में हम ये कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का डन जीरो होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्लोज पाथ में डन जीरो नहीं होएगा, ठीक है ये ध्यान देना ये आपका नॉन जीरो है आगे? वर्क uh, डन जो होता है आपका कंप्लीटली uh, रिकवरेबल uh, है कंजर्वेटिव के केस में वहाँ पे रिकवरेबल कतई नहीं है और इसको ध्यान रखना ये रिकवरेबल इसलिए बिकॉज इट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो जितना भी वर्क डन जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है एम आपका कंजर्वेटिव फोर्सेज है तो जितना आपने नीचे से सामान उठा के ऊपर लाने का वर्क डन किया है वो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया यकीन ना हो तो गिरा के देख लो वो एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी उसी रास्ते अगर जो फ्रिक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट जो आपने वर्क डन किया है वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई वो आपका कभी वापस नहीं मिलेगी uh, यहाँ पे कनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मे चेंज वापस में एक कन्वर्ट हो सकती है बट देयर सम रिमेन्स द सेम यहाँ पे आपका कंजर्वेशन उसका होता है वहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट इट मे गेट डिसिपेटेड और वर्क वर्कडन उसके अगेंस्ट जो भी काम किया वो हीट में डिसिपेट हो जाएगा एंड यू विल नेवर गेट इट बैक Uh, ये यूजुअली सेंट्रल इन नेचर होते हैं सेंट्रल इन नेचर का मतलब ये है कि हमने जैसे बात की हुई है ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो वो फोर्स आपका लाइन ज्वाइनिंग पे अप्लाई होता है तो सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास के बीच में फोर्स अप्लाई करेगा एंड दिस इज यूजुअली कॉल्ड सेंट्रल इन नेचर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जितने होते हैं यूजुअली जबरदस्ती नहीं है बट यूजुअली दे आर वेलोसिटी डिपेंडेंट जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन इज नॉट बट एयर रेजिस्टेंस इज ठीक है तो फ्रिक्शन आपका ये कहते हैं हम फोर्स यूजुअली वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं और दे आर रिटार्डिंग इन नेचर तो फ्रिक्शन आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है लेकिन विस्कस फोर्स जो है आपका जिसको हम विस्कोसिटी में पढ़ेंगे या फिर एयर रेसेंस जो है वो आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो यूजुअली ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं और डेफिनेटली रिटार्डिंग इन नेचर होते हैं स्पीड आपकी कम करते हैं ठीक है एग्जाम्पल की बात करें तो एक चीज़ ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है जितने कॉन्स्टेंट फोर्स है आपके वो सारे कॉन्स्टेंट फोर्स आपके कंजर्वेटिव फोर्स होंगे Uh, यानी कि अगर आपको फोर्स दे रखा है एफ इजिकल टू टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपको फोर्स दे रखा है इसका वर्कडन पूछा है तो बिन्दाहा इसको वर्कडन को लिख दो ये पाथ के इंडिपेंडेंट है चाहे आपने रास्ता यहाँ से यहाँ जाने का ये लिया ऐसे घूम के गए ऐसे ऐसे हो क्या है इनिशियल और फाइनल पोजिशन देखो ये सारे फोर्सेज का वर्कडन आपका क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेज है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा सिमिलरली ग्रेविटेशन फोर्सिंग फोर्स इलेक्ट्रोसैटिक फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बिटवी टू बार मैग्नेट्स वह आपके कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव एक्जाम्पल देखेंगे तो आपका फ्रिक्शन हो गया विस्कस फोर्सेस हो गया एयर रेजिस्टेंस हो गया मैग्नेटिक फोर्सेज हो गए और मैग्नेटिक फोर्स कौन सा बिटवीन टू वायर्स तो अगर आपने नोटिस किया हो एम का सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है सिलेबस में आपके चैप्टर हैं तो एम में हमने कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की बात नहीं की है फॉर द सिंपल रीज़न के जो हम एम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव है उसकी एनर्जी आप स्टोर नहीं कर सकते ठीक है सो so, ये आपका आ, ये वाला एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके ठीक है आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है मूविंग uh, फॉरवर्ड uh, इसमें अगर आगे बात करें वर्क एंड थोरम की तो वर्क एंड थोरम में हम ये कहते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है लाइफ आपकी आसान करने के लिए प्लस uh, आपका वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ई प्लस डेल्टा के ई जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे से एक बुक उठा के यहाँ तक लेके आया हूँ या मैंने अलमारी के ऊपर रख दी है तो उस केस में वर्कडन जो हुआ है मेरा जो मैंने वर्कडन किया नीचे से उठा के ऊपर रखने का अगर तो स्लो स्लो लेके आए तो कानीटिक एनर्जी ज़ीरो होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वर्कडन बाय एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव सूडोफोज यह आपका कानीटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इंक्रीज करता है Now, हमारे सिलेबस में जो मोस्टली सवाल आते हैं वो ये सवाल होते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के इसका मतलब ये है कि अगर आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव सूडोफोजी मान लो तीनों जीरो हैं इन तीनों का सम आपका जीरो है इन दैट केस आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और आपका करेंट एनर्जी का चेंज उन दोनों का सम जीरो होगा ठीक है विच मींस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल कान्टिक एनर्जी विल भी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल कानेटिक एनर्जी उन दोनों के सम के बराबर होगी ठीक है ये बहुत हेल्प करता है अपनी सवाल सॉल्व करने में राइट right? uh, कुछ और स्पेशल स्नैरियोज है इनको यहाँ पे uh, क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो इनके फॉर्मले देख लेते हैं तो पहला है कि आपका हैंगिंग अगर चेन है तो अगर मान लीजिए आपने चेन को ऐसे रखा हुआ है और चेन आपने ऐसे लटका रखी है जिसकी लेंथ हेल है इसका मास एम है उस केस में हम कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम जी एल बाई टू या फिर इसी को आप लिखते हैं इसलिए बिकॉज आप इसको जीरो मान रहे हैं तो इसको अगर आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जीरो माना है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो एल बाई टू अगर आपकी यूनिफॉर्म चेन है तो आपकी एल बाई टू पर आएगी ये पोटेंशियल एनर्जी होगी ठीक है हाँ uh, स्नैरियो आते हैं कि अगर आपकी वन बाय लेंथ वन बाय एन आपकी लेंथ हैंगिंग है तो आपकी ये स्नेरियो देते हैं कि टोटल चेन है उसकी वन थर्ड वन फोर्थ नीचे हैंगिंग है तो आपको मान लो टोटल लेंथ का मैंने कहा एल बाय थ्री आपका आ, नीचे लटकी हुई L by four है एल बाय फोर है एल बाय फाइव है इन दैट केस आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ध्यान रखना माइनस एम जी एल डिवाइडेड बाई टू एन स्क्वायर होती है माइनस अगेन इसलिए बिकॉज इसको हम जीरो मान रहे हैं और यहाँ पर एन की वैल्यू थ्री होएगी एन विल बी इक्वल टू थ्री ये ध्यान रखना ठीक है बिकॉज हम कह रहे हैं एल बाय एन नीचे लटका हुआ है एन आपकी वैल्यू और एन इंटीजियर ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपका एन इंटीजर ही होना चाहिए ये भी हो सकता है एन की वैल्यू आपकी टेन बाय थ्री फाइव बाय कुछ वो भी वैल्यू बेरी कर सकती है यहाँ पे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसी को अगर आपने यहाँ से फोर्स लगा के मान लीजिए आप इसको फोर्स ला एफ फोर्स लगा के ऊपर खींच रहे हैं तो इफ़ दैट इज़ द केस हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि इस एफ फोर्स ने कितना वर्क डन किया तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी बाद में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो वर्क डन कितना किया एग्जैक्ट जितनी उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी थी उतना हमने दे दिया अगर आपका पहले मान लीजिए किसी दुकानदार के साथ पाँच या चार उधार था अब उधार जीरो हो गया तो कितना दिया आपके पेरेंट्स ने चार सौ नब्बे दिया होगा तभी उधार जीरो हुआ है सो so, उसको हम यहाँ पर वर्कडन कहते हैं उसका रेज करने के लिए इतना वर्कडन हमें करना पड़ेगा एक और तरह का स्नैर्यू आता है आपका कि एल बाई एन की लटकी हुई चेन है उसके अरे नीचे गिरने लगी और जस्ट उस इंस्ट्रेंस पर जब वो नीचे गिर रही है पूरी नीचे पहुँच चुकी है उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी इसको अगेन हम क्लास में डिराइव करते हैं बट क्रैश कोर्स के लिए मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ ये इसका स्टैंडर्ड आंसर आता है रिजल्ट ध्यान रखना अंडर रूट जीएल वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं आपकी पावर की ना पावर जो है उसको हम ये कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क तो हमने जब वर्क को डिफाइन किया उस केस में हम ये डेफिनेशन जब हम वर्क डन बता रहे थे F .S .S. या डी ए डब्ल्यू कर रहे थे उस केस में हमने एक चीज मिस्टेक कर दी कि हमने उसमें टाइम का ध्यान नहीं रखा तो एक बंदे ने नीचे से ऊपर सामान उठाया तो एक घंटा लगाया दूसरे ने पांच घंटे में वो किया एक मोटर है जो पानी की टंकी भर रही है अपनी आधे घंटे में दूसरी छह घंटे लगा रही है वर्क डन दोनों का सेम होएगा लेकिन कौन सी जब जा मशीन ज्यादा पावरफुल है किस बंदे ने ज्यादा इफेक्टिवली या पावरफुल काम किया है उसके लिए हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं आ, पावर को तो हम यहाँ पे कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ पे आ या जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू यूनिट आपकी हो जाएंगी जूल या फिर अर्ग्स जूल्स पर सेकेंड या फिर अग्स पर, पर सेकेंड किलोवाट मेगावाट वॉट आर या फिर हॉर्स पावर नाउ अगेन ये जो यूनिट है आपकी हॉर्स पावर आ, ट्रेडिशनल यूनिट है इसकी आज की तारीख में कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए आपकी एम यूनिट जो है उसी को ऐसा यूनिट मान लिया हमने तो वाट में ही अपना काम होना चाहिए लेकिन ऑटोमोबील इंडस्ट्री जो है उनको आज भी हॉर्स पावर यूज करके मजा आता है वो कहते हैं हमारी जो बी का आ रहा है जो डस्टर का आ रहा है या आपकी 80 हॉर्स पावर या 100 हॉर्स पावर की है तो सम लोगों को गाड़ी खरीदते हुए ऐसा लगता है कि सौ घोड़े मेरी गाड़ी को भगा रहे हैं इतनी पावरफुल है सो काइंड ऑफ इट गिव्स देम अ पर्सपेक्टिव कि आपकी गाड़ी कितनी पावरफुल है या मोटर पे लिखा आता है आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर आती है ये दो हॉर्स पावर की दस हॉर्स पावर की आपकी मोटर है सो दैट काइंड ऑफ गिव्स अ मेंटल इमेज के वह दो घोड़े पानी नीचे से ऊपर भर रहे हैं या दस भरेंगे तो कितना की पावर होगी सो दैट इज़ द ओनली रीजन दिस वॉर आई थिंक ऑफ दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि आज हम भी हॉर्स पावर यूज़ कर रहे हैं ठीक है राइट रिलेशन बिटवीन यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो वाट जो है आपका एक जूल पर सेकेंड और अर्ग्स में कन्वर्ट करेंगे इसको अर्ग्स पर सेकेंड में टेन टू दावर सेवन हॉर्स पावर है आपका सेवन फोर्टी सिक्स वाट्स इसको मैं हमेशा सलाह देता हूँ अपनी क्लास में इजी कैलकुलेशन के लिए आप इसको सेवन फिफ्टी वाट मान के भी कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा और सेवन फिफ्टी को देखोगे तो इसको और ईजी कर बनाने के लिए थ्री थाउजेंड बाई फोर भी यूज़ कर सकते हैं आप तो लगभग आपको सेम इन द रेंज आंसर मिल जाएगा बिकॉज एग्जाम में हमें स्पीड भी चाहिए तो सेवन फोर्टी सिक्स एग्जैक्ट वेरी नाइस वेरी गुड इफ़ यू हैव अ कैलकुलेटर और बट अगर एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहे हैं तो आप सेवन फिफ्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं मेगा वॉट जो है उसको हम टेन टू पावर सिक्स कहते हैं किलो वॉट है टेन टू पावर थ्री कहते हैं ना इसको मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कई बार लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं क्लास में देखा मेगा वॉट मैंने दिया हुआ था उन्होंने टेन टू पावर थ्री करके यूज़ कर दिया बट बेटा ध्यान रखना यह आपका टेन टू पावर थ्री और सिक्स में किलो और मेगा का फर्क हो जाता है ठीक है पावर अच्छा एक और चीज़ है पावर ऑफ पम्प वाइल फिलिंग एवर हेड टैंक ये एक तरह का सवाल आता है इसको रिजल्ट को ध्यान रख लेना हालांकि क्लास में इसे डिराइव करते हैं तो हम एक अगर ओवर हेड टैंक को भर रहे हैं पावर है वेलोसिटी कहते हैं कितनी डबल करें हाफ करें तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मुला यूज़ कर सकते हैं डेंसिटी एरिया मल्टीप्लाइड बाय वी का क्यूब और हाफ ये करके आपको पावर दे देगा डेरीवेशन अभी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा पावर uh, अच्छा एवरेज पावर हम ऐसे डिफाइन करते हैं पावर uh, उसके ऊपर ये देख लो कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क तो एवरेज पावर हो गई आपकी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल अगर एवरेज देखोगे पावर एवरेज हो गया आपका टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन नाउ वो केसेज जहाँ पे सारा डन आपका कानीटिक एनर्जी में जा रहा है ठीक है उसको आप लिखते हैं डेल्टा के ई बाय डेल्टा टी ठीक है तो जितना चेंज इन कारेंटिंग एनर्जी हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर दो एवरेज पावर आ जाएगी कुछ स्नेरियोज ऐसे होंगे इसको आप ऐसे भी लिखेंगे दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू डेल्टा पी ई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी तो कुछ स्नैरियोज आपके ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपका जैसे टंकी भरने वाले सवाल हैं तो नीचे से ऊपर पानी भर रहे हैं आप पानी बस ऊपर जाके टपक रहा है उसको वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं ठीक है दैट इज द केस तो उस केस में सारा वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में गया है तो पावर आप डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है एग्जाम में काम आता है नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की ये तो होगी एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर होगी इस टाइम कितनी पावर इस टाइम कितनी पावर उसको हम लिखते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी ठीक है dt, तो इसका इंस्टेंटेनियस वर्क डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस टाइम और इसी को डी डब्ल्यू को एफ डॉट डी एक्स लिख के डी टी करके आपकी ये वैल्यू आया थी इस रिजल्ट को ध्यान रखना डायरेक्ट इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी एफ डॉट वी ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर आपको दे देगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजिशन इफ इट इज एबल टू राइज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ टेन सेंटीमीटर ठीक है जी की वैल्यू हमें कहें नाइन पॉइंट एट ले लें स्नैरियो ये है कि ये आपका पेंडुलम ऐसे था आपने इसको कोई वेलासिटी दी और अब ये पेंडुलम यहाँ से इंक्रीज करके लटर से इस हाइड पर पहुंच गया है ठीक है और ये हाइट अपने को जो इन दोनों का डिफरेंस है ये आपको एच हाइट दी हुई है जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है हमें बताना है ये वेलोसिटी कितनी होगी ना अगर वर्क एंथ और हम यहाँ पर यूज़ करें तो वर्क डन बाय यहाँ पे टेंशन का फोर्स टेंशन का फोर्स लग रहा है बट उसका वर्क डन जीरो होएगा एफ डॉट एस में हमने बात कर ली कि आपका एंगल नाइनटी है तो उसका वर्क डन जीरो होएगा इस केस में आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल जीरो है नॉन कंजर्वेटिव और फोर्स का वर्क डन जीरो है तो सारी कनेक्टिव एनर्जी आपकी सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इसको हम पे इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम यूज क्या कर सकते हैं लॉस इन कारनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू आपका गेन इन पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी जितनी कॉनेटिक एनर्जी बिकॉज ये यहां से जो आपने वेलोसिटी दी थी ये बस इस हाइएस्ट हाइट तक बस पहुंचा ही है तो सारी कॉनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के गेन में चली गई कॉनेटिक एनर्जी का लॉस आप लिख सकते हैं यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी उसको आप लिखते हैं एम जी एच एच की वैल्यू दी हुई है वी की वैल्यू हमें बतानी है तो वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एम एम कैंसिल कर सकते हैं टू ऊपर ले जाए टू जी एच डेटा रख के आंसर आ जाएगा यहाँ पे अगर टू uh, uh, लिखा जी की वैल्यू हमें दे रखी है नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाय मैंने एच किया एच की वैल्यू कितनी टेन सेंटीमीटर दे रखी है यानी कि टेन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू माइनस टू ठीक है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी ये बनेगा आपका 10 टू पावर माइनस वन हो गया तो 0.98 नाइन एट इंटू टू यह आ जाएगा 1.96 इसका जब अंडर रूट लेंगे इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.4 मीटर पर सेकेंड ठीक है सो दैट मींस ऑप्शन बी 1.4 मीटर पर सेकेंड ये आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई टी का सवाल है क्वेश्चन से यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ टू मीटर इस कैप्टन अ टेबल सच दैट लेंथ ऑफ सिक्सटी सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल टोटल मास ऑफ द चेन इज़ फोर किलोग्राम टोटल मास दिया हुआ है अपने को सवाल है वॉट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल तो सुनैरियो ये है कि यह आपकी टेबल और इस टेबल पे आपने रखी हुई एक चेन ऐसे ठीक है और चेन की टोटल लेंथ है आपकी दो मीटर सॉरी दो सेंटीमीटर और नीचे जो लटक रही है वो आपके 60 सेंटीमीटर हो गई नाउ इस केस में हमें अगर एन की वैल्यू बतानी है हमारा जो फॉर्मूला है जो हमने स्नेरियो की बात की थी एल बाय एन नीचे लटका हुआ है सो so, यहाँ पे एन की जो वैल्यू हो जाएगी एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200 हंड्रेड डिवाइड बाय सिक्सटी इतना फ्रैक्शन आपका नीचे लटका हुआ है सो so, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टेन बाय थ्री जीरो कटेगा टू कटेगा टेन बाय थ्री तो आपकी एन की वैल्यू हो गई टेन बाय थ्री हालांकि हमें यह बताना है कि कितना वर्कडन इसको ऊपर खींचने में होएगा अगर आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं उसका वर्कडन बताना है तो यहाँ वर्क डन को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू एम जी एल डिवाइडेड बाय टू एन स्क्वायर ये फॉर्मूला भी हमने देखा था इसका डेरिवेशन है स्किप कर रहे हैं डेरिवेशन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे सो so, एम आपने को दिया हुआ है फोर किलोग्राम जी की वैल्यू हमें कहा है uh, कुछ नहीं कहा तो टेन ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय एल एल हो गया आपका दो मीटर डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टेन बाय थ्री का स्क्वायर नाउ टेन बाय थ्री का स्क्वायर है तो उसको हम नीचे हंड्रेड लिख लें ऊपर नाइन चला जाएगा तो टेन बाई थ्री का स्क्वायर हंड्रेड बाय नाइन होएगा हंड्रेड बाई नाइन का हम नाइन ऊपर ले गए तो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से आप एक जीरो तो ये काट दें एक टू ये काट दें तो ये बनेगा फोर इंटू नाइन विच इज़ थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टेन यानी कि थ्री पॉइंट सिक्स जूल ये आपका आंसर होना चाहिए ठीक है सो थ्री पॉइंट सिक्स जूल ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई नेक्स्ट uh, हम यह बात करते हैं स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के अपने को दिया हुआ है फाइव इंटू टें टू पावर थ्री न्यूटन पर मीटर इज इस्ट्रेच्ड इनिशियली बाय फाइव सेंटीमीटर तो उसको आपने पहले पाँच सेंटीमीटर खींचा फ्रॉम द अनस्ट्रेच पोजिशन देन द वर्क डन टू रिक्वायर टू स्ट्रेच स्ट्रेचेज फर्दर बाय फाइव सेंटीमीटर उसको और पाँच सेंटीमीटर आप खींचना चाहते हैं कितना वर्क डन होगा अगेन मेन्स का सवाल है और ये चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ना इस केस में हमें बात पता है कि मान लीजिए आप ये स्प्रिंग की बात करते हैं और ये आपकी नेचुरल लेंथ है यहां से मान लीजिए आपने इसको x1 खींचा है ठीक है उसके बाद फर्दर आप x2 खींच रहे हैं जो तो पहले आपने x1 खींचा था उसके बाद आपने उसको फिर x1 वन खींचा यहां पर वर्कडन मान लो आपका w1 वन हुआ है यहां पर डब्ल्यू टू हुआ है तो यहां जो टोटल वर्कडन आएगा उसको आप लिखेंगे टोटल आपकी जो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी या जो वर्कडन आएगा उसको आप लिखेंगे इसको मैं एक मिनट रुको नहीं ये नहीं ये करना था तो यहां जो वर्क डन आएगा आपका आ, दोनों का जो उसमें जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू यहां से लेके यहां तक का जो टोटल वर्क डन हुआ है माइनस ये वाला वर्क डन कर देंगे तो आपका जो ये आएगा इसको हम ही लिखते हैं कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको ठीक है सो यहां पर जो आपका डब्ल्यू टू आएगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन उसको आप लिखोगे हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन का स्क्वायर ये आपका सेकेंड uh, सिनेरियो में डब्लू टू आएगा ना हाफ के एक्स कॉमन ले लेंगे सो so ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ के आपने कॉमन ले लिया ये आपने पहले पांच सेंटीमीटर खींचा था बाद में फिर पांच सेंटीमीटर खींच रहे हैं तो टोटल हो गया आपका दस सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये आपका पांच सेंटीमीटर था तो फाइव इंटू टें का स्क्वायर ठीक है ये आपकी सॉल्व करके वैल्यू मिल जाएगा के का के uh, की वैल्यू भी हमें दी हुई है ठीक है सो so इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय के के हो गया आपका फाइव इंटू टेन टू दावर थ्री फाइव और ये बनेगा आपका टेन टू दावर माइनस वन का स्क्वायर uh, ये आपका टेन टू दावर माइनस टू और ये बनेगा ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर सो टेन टू पावर थ्री को अंदर ले जाते हैं सो so, ये हो गया आपकी फाइनल वैल्यू फाइव बाई टू मल्टीप्लाइड बाई बनेगा आपका ये तो आया 10 और ये बनेगा आपका टू पॉइंट ठीक है 2.5 पॉइंट फाइव ही आया ना 10 टू पावर माइनस फोर माइनस थ्री करके पॉइंट बना तो पॉइंट ये आ गया तो 10 में से 2.5 पॉइंट माइनस करोगे तो 7.5 पॉइंट फाइव आएगा सो so, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 5 आ, 5 अच्छा नहीं लिखा जा रहा ये आया आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू ठीक है जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 18.75 पॉइंट सेवन फाइव आपका फाइनल आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एनर्जीज रेशो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम क्या होगा ये हमें बताना है एम्स का सवाल है नीट में भी आ चुका है ऑप्शन है फोर इज टू वन टू टू इज वन वन इज टू टू या फिर वन इज टू सिक्सटीन इस केस में अगर हम कहेंगे मास हुआ है देखो रिलेशन आपने को पता है मोमेंटम uh, जो है उसको आप लिख सकते हैं टू एम के वेर के इज आपकी कानिटिक एनर्जी इस रिलेशन को ध्यान रखना चार पाँच चैप्टर में इसी के ऊपर सवाल बनते हैं सो so, इसलिए मैं इसको यहाँ कवर भी कर रहा हूँ इसको मल्टीपल टाइम कवर करेंगे तो मोमेंटम आपका ऐसे दिया हुआ है अब आपको ये दिया है कि दोनों की कानिटिक एनर्जी बराबर है ठीक है तो यहाँ पे आपको रेशो मोमेंटम बताना है तो हम लिख सकते हैं पी वन डिवाइडेड बाई पी टू दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट उम वन बाय एम टू तो मास का ही रेशियो रहेगा कानिटी एनर्जी दोनों की बराबर है सो यहाँ पे अगर मास की वैल्यू रख दोगे

अब बॉडी स्लाइड्स ऑन द ट्रैक तो आपकी एक बॉडी यहाँ से स्लाइड कर रही है डाउन द ट्रैक फ्रॉम पॉइंट ए विच इज एट अ हाइट ऑफ फाइव मीटर तो एच की वैल्यू आपको फाइव मीटर दी हुई है सॉरी फाइव सेंटीमीटर ठीक है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर ये आपको आर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फॉर द बॉडी टू सक्सेसफुल कम्प्लीट द लूप नाउ इस सवाल को ऐसे देखना अगेन वर्क एनर्जी के एप्लीकेशन का सवाल है वर्क एंड थोरम का कि यह आपका स्नैरियो हो रहा है तो ये गोला अच्छा नहीं बना फिर से बनाते हैं Right. तो स्नेरियो यह है कि आपका आ, ये ट्रैक ऐसे है और उसके बाद यह सर्कुलर ट्रैक है यहां पे ठीक है नॉट बैट अच हाइड से एच हाइट से पार्टिकल आ रहा है यह आपका मान लीजिए गोला है जिसका रेडियस आर है नाउ इन दैट केस अगर आपको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि यहां पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है वी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपकी जो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू है वो फाइव जी आर के बराबर होनी चाहिए वेर आर इज द रेडियस ऑफ दिस, ठीक है अब यहां पे बात करते हैं इस सिनेरियो की कि आपका ब्लॉक यहां से यहां तक आया है तो यहां पे हम लिखेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू लॉस इन सॉरी गेन इन यहां पे पोटेंशियल में गेन नहीं में गेन हो रहा है गेन इन कारनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो इस सिनेरियो में आपका लॉस है यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है और इस सिनेरियो तक की बात कर रहे हैं हम सिर्फ यहाँ तक ठीक है और आपका कान्टी एनर्जी में गेन हो रहा है तो यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी सो कान्टी एनर्जी चाहिए अपने को हाफ एम वी स्क्वायर लॉस इन कान्टी एनर्जी जो आएगी वो होगी आपकी एम जी एच जो भी आपकी हाइट थी है ये लॉस हुआ तो इसके बेसिस पे जो अपनी वी की वैल्यू आएगी वी की वैल्यू हमारी मिनिमम इतनी होनी चाहिए उसको यहाँ फिट कर देते हैं तो यहाँ पे जब आप इसको फिट करेंगे वी की वैल्यू को सो दिस विल बिकम तो ये आपका बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि फाइव जी आर ना देन और इक्वल टू आपका uh, नहीं लेस देन इक्वल टू आएगा ये इसकी वैल्यू आपकी कहाँ गया ये लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए आपकी एम जी एच से तो आपका एम जी एच ना इसमें आपका एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा इसको लेके जाएं तो आपकी जी भी कैंसिल हो जाएगा शुड बी लेस देन इक्वल टू आपका बाय फाइव इसकी वैल्यू हो जाएगी टू बाय फाइव एच तो आर की वैल्यू टू बाय फाइव एच से आ, कम होनी चाहिए ना एच की वैल्यू आपने वो टेन सेंटीमीटर दी हुई है उसकी वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा टू बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय टेन तो आर जो है फोर सेंटीमीटर तो आर अगर आपका फोर गड़बड़ हुई ओहो गड़बड़ कर दी बेटा मैंने एच जो है वो आपको फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ है बोल मैं कहूं सर को जा रहा था मैं हाँ फाइव ठीक है सो so, उसकी वजह से आपकी जो इसकी वैल्यू है तो आर की वैल्यू ये फाइव कैंसिल होके टू सेंटीमीटर आ गई ठीक है तो डेटा पे ध्यान देना सो दैट मीन्स ऑप्शन डी टू सेंटीमीटर दिस विल बी आर राइट आंसर ठीक है आई होप ये चीज आपको समझ में आई बेटा एक और वैरायटी के सवाल क्वेश्चन सेज इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20 परसेंट कानेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा ये हमें बताना है कितनी इंक्रीज हो जाएगी नाव यहाँ पे आप रिलेशन यूज़ करेंगे हम कहते हैं कि कानेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम तो नाव यहाँ पे हमें मास के बारे में कुछ नहीं कहा तो हमें एज्यूम करेंगे मास कॉन्स्टेंट है कॉनेटिक एनर्जी जो है मोमेंटम आपने ट्वेंटी इंक्रीज किया है तो आपका के जो आएगा डिवाइडिड बाय के वन दैट विल बी एक्वल टू आपका पी टू डिवाइडेड बाय पी वन का स्क्वायर बिकॉज मास को हम वो इग्नोर कांस्टेंट मान रहे हैं तो ये आपका मोमेंटम के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा विच एम्प्लाइज इसकी वैल्यू इसको हम के टू के वन को अगर हम उधर ले जाएँ विच एम्प्लाइज आपका के टू है वो हो जाएगा पी टू बाय पी वन ना पी टू जो है वो आपने क्योंकि ट्वेंटी परसेंट इनक्रीज़ कर दिया है तो उसको हम वन पॉइंट टू लिख सकते हैं तो उसकी वैल्यू वन पॉइंट टू पी वन हो गई और पी वन आपका ओरिजिनल वन पी वन इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय के वन हो गया तो so इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो के टू है ना ये बात हमने को पता है कि का जो स्क्वायर आता है उसको हम लिखते हैं वन पॉइंट फोर फोर तो आपकी के टू की वैल्यू जो है सॉरी के वन होगा वन पॉइंट फोर फोर के वन तो दैट मीनस आपका फोर्टी फोर परसेंट जो है वो फोर्टी फोर परसेंट आपकी के की वैल्यू बढ़ गई हैंस ऑप्शन ए फोर्टी इंक्रीज वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस का सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है uh, uh, क्वेश्चन uh, से इज अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के वो आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के स्प्रिंग से आपका कोलाइड किया है एंड कंप्रेसिज इट बाय लेंथ एल उसको आपने एल लेंथ से कंप्रेस किया है द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन हमें बताना है उसका मैक्सिमम मोमेंटम कितना पॉसिबल है नाउ इस नैरियो में देखना है कि ये मान लीजिए आपका v या वेलोसिटी से जा रहा था ये आपका स्प्रिंग है उसको उसने कंप्रेस कर दिया एल लेंथ से तो नाउ इस केस में हम यहां पे लिखेंगे कि आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन

k बाय एम मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर इसको भी अंदर लिख लेते हैं अभी ये आपकी v की वैल्यू हो गई ना हमें पूछा है यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि हमें बताना है इसका मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा तो स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेस हुआ उसने फिर रिलीज़ किया है उस टाइम पे आपको जो मैक्सिमम मोमेंटम मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं तो मोमेंटम जो है उसको आप लिखोगे दिस विल बी इक्वल टू एम वी वी की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है सो दिस विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई अंडर उट ऑफ के एल स्क्वायर

फोर्टी uh, न्यूटन यहाँ पे वो अप्लाई कर रहा है ऑन अ अ केबल एंड एट डिस्टेंस ऑफ सॉरी मीटर इन मिनट सवाल है पावर सप्लाइड बाय द मोटर इन वॉच कितना होएगा ना ये बात अपने को पता है पावर उसको आप लिखते हैं एफ डॉट वी राइट और यहाँ पे एफ जो है वो अपने को फोर्टी न्यूटन दे रखा है और V जो है इसको आप लिख देंगे एफ डॉट वी जो है वेलोसिटी के लिए यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी वो है 30 मीटर डिवाइडेड बाय जो आपका टाइम होएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है थर्टी मीटर और टाइम टेकन हुआ है आपका सिक्सटी सेकेंड्स अगेन मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट में सो ये सॉल्व करेंगे तो थर्टी या सिक्सटी डिवाइड होकर नीचे टू आ जाएगा फोर्टी डिवाइड करके तो आपकी पावर जो है वो आ जाएगी ट्वेंटी वाट सो दैट मीन्स ऑप्शन ए ट्वेंटी वॉट दिस वुड बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से वेट लिफ्टर लिफ्ट थ्री हंड्रेड किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ टू मीटर इन थ्री सेकेंड्स ठीक है एवरेज पावर जनरेटेड बाय हिम कितनी होगी हमें बताना है जी की वैल्यू डेटा देख के मुझे लग रहा है नाइन पॉइंट एट लेनी चाहिए ठीक है आगे नहीं थोड़ा प्रैक्टिस से आता है आपका डेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, है. Uh, सवाल में ये भी नहीं दिया जी की वैल्यू टेन लो या नाइन पॉइंट एट लो बट डेटा चार ऑप्शन देख के लग रहा है ऐसी फील आ रही है कि नाइन पॉइंट एट से आंसर आएगा तो यहाँ पर जो आपका वर्कडन होएगा उसको आप लिखोगे नहीं यहाँ में बताना है पावर पावर है उसको आप लिखोगे वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन और वर्क डन जो है उसको क्योंकि आप नीचे से ऊपर उठा के लेके आ रहे हैं और स्लोली स्लोली हमारा ऐसा सर रहेगा कि उसमें हम कनेक्ट एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो दैट इज द केस वर्क डन को हम यहाँ लिखेंगे एम जी एच डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन तो इससे आपकी पावर आ जाएगी एम है आपका थ्री हंड्रेड किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू ले लो नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई एच है एच कितना दिया हुआ टू मीटर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन ए हंड्रेड ना सो थ्री हंड्रेड के दो जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप ओ सॉरी टाइम ता, दिया हुआ थ्री सॉरी मैंने ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पर हाँ टाइम हा, दिया हुआ है अपने को थ्री सेकेंड ठीक है ये हंड्रेड पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने एनी वे सो टाइम दिया हुआ है थ्री हंड्रेड तो डेटा का ध्यान रखना बेटा तो ये आपका थ्री से कैंसिल हो गया हंड्रेड बन जाएगा हंड्रेड को नाइन पॉइंट एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नाइन एट्टी आएगा नाइन एट्टी को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन नाइन सिक्स जीरो वॉट देट वुड बी आर फाइनल आंसर सो दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट चॉइस नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमें कहा है जी की वैल्यून ले सकते हैं द अमाउंट ऑफ वॉटर इट कैन राइज इन 1 मिनट टाइम अपने को 1 मिनट दिया हुआ है टू हाइट ऑफ टेन मीटर दस मीटर की ऊंचाई तक आपको पानी लेके जाना है मोटर आपकी दो किलो वॉट की है एक मिनट में वो कितना पानी ऊपर ले जा सकते हैं सवाल ये नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं पावर पी इज इक्वल टू टोटल वाले केस में हम लिख सकते हैं एम जी एच डिवाइड बाई टाइम टेकन हमें यहाँ एम की वैल्यू बतानी है तो यहाँ जो आपका एम हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू पी टी डिड बाई जी एच ना पावर अपने को दिया हुआ है टाइम अपने को पता है जी की वैल्यू और एच की वैल्यू अपने को पता है डेटा रख के मास आ जाएगा यहाँ पे पूछा हमसे लीटर है तो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा एक और स्टेप आएगा बाद में पावर जो है वो आपकी हो गई टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाई टाइम वन मिनट है यानी कि सिक्सटी हो गया यार डिवाइड बाय जी हम टेन ले लेते ले हैं यहाँ पे एच आपका टेन है ठीक है सुबह से तो सिंपल हो गया इसके दो जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे ये बचेगा ट्वेंटी इंटू सिक्सटी या आ गया आपका ट्वेल्व हंड्रेड किलोग्राम

लीटर ही आ जाएगा बिकॉज हमारी पानी की डेंसिटी ऐसी है, है कि एक किलोग्राम इज वन लीटर ठीक है अगर यहाँ पे सरसों का तेल हो मरकरी हो तो आपकी वैल्यू बदल जाएगी इसको ध्यान रखना सो दैट मीन्स ऑप्शन डी 1200 हंड्रेड लीटर वुड बी द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज अ पम्प मोटर इज यूज टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप ना टू ऑप्टेन टेन ट्वाइस एज मच वाटर अब हम चाहते हैं कि मुझे पानी जितना पहले आ रहा था उसे डबल पानी चाहिए फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम मुझे उसी पाइप से उसी टाइम में डबल पानी चाहिए द पावर ऑफ मोटर कितनी बढ़ा दें सवाल ये पावर ऑफ मोटर हैज टू बी इंक्रीज टू कितनी पावर नई जो मोटर लगाएंगे उसकी कितनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए ना ये हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉमूला यूज़ करेंगे पी इज इक्वल टू आपका लिखते हैं वन बाई टू रो ए वी क्यूब नाउ इस केस में पावर आपका ये वह जो आपकी अच्छा स्नैरियो ये है कि ये आपकी मोटर नीचे ऐसे लगी हुई है ये आपका पाइप है पाइप को आप चेंज नहीं कर रहे हैं और ये यहाँ पे आपने कहीं पे मोटर लगा रखी है ठीक है नीचे से आप पानी लेके जा रहे हैं तो इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है जो लिक्विड आप लेके जा रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी भी आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो रो और ये आपका चेंज नहीं होएगा वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया है ठीक है ये आपकी टू वी हो गई उसका जब आप क्यूब करेंगे तो पावर आपकी आठ गुना हो जानी सॉरी टू का क्यूब यानी कि आठ गुना हो जानी चाहिए सो यहाँ पे पावर जो आपकी पी टू आएगी दैट शुड बी इक्वल टू टू का क्यूब यानी कि एट टाइम्स पी वन तो आपकी पावर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए विच मीन्स ऑप्शन सी एट टाइम्स अगर पहले आपकी एक किलो वाट की मशीन थी अब आपको आठ किलो वाट की मशीन चाहिए जिससे पानी आपका डबल ऊपर आ जाए सेम टाइम में सेम पाइप से सो दैट मीन्स एट टाइम्स वुड बी द राइट आंसर आई होप ये चीज समझ में आई थोड़ी सी यहां पे मैथ्स कई बार इस चैप्टर में ज्यादा हो जाती है पर सवाल मुश्किल नहीं होते हैं ठीक है आई विश यू ऑल दी बेस्ट